गुड आफ्टरनून बच्चों, सबसे पहले ये देख लें कि हम बुक में क्या लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ाई करी है। कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड भी हैं। जैसे हमें मालूम है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब ऐड होंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट ऐड होगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के नाम में एनसीईआरटी में और एक्चुअल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप सीख लीजिए पहले। सपोज इफ आई से यहां पर हम लिख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस शुगर और यहां लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड का नाम। न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन नाउ। एंड देन न्यूक्लियोटाइड, सो लाइक दिस आवर टेबल विल गो। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्यूरीन्स को। एडिनिन, ग्वानिन, ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाइरिमिडीन में, साइटोसिन ये तीनों कॉमन होती है डीएनए और आरएनए में, यू नो दैट। तो एडिनिन राइबोस के साथ भी जुड़ सकता है और डीऑक्सी राइबोस के साथ भी जुड़ सकता है, राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस। सिमिलरली ग्वानिन राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस। सिमिलरली साइटोसिन राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये तीनों बेसिस राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ सकती है। लेकिन जब बात आती है थायमिन की, या साइटोसिन की, सॉरी नॉट साइटोसिन, यूरैसिल, आपको पता है इन पांचों नाइट्रोजनस बेसिस में हैवीएस्ट कौन हो सी? ग्वानिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, इट इज द हैवीएस्ट। और थायमीन में आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, यूरैसिल उससे भी ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट की है। अब आपका काम यह है, आपको देखना है कि सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, लाइटेस्ट कौन सी है। हैवीएस्ट तो मैंने आपको बता दिया ग्वानिन है। थायमीन सिर्फ जुड़ेगी क्योंकि ये डीएनए में है, तो सिर्फ 2-डीऑक्सीराइबोस से जुड़ेगी, और यूरैसिल सिर्फ राइबोस से जुड़ेगी। तो नेचर में एज यू नो के एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन राइबोस या 2-डीऑक्सीराइबोस से जुड़ सकती हैं, लेकिन थायमिन सिर्फ 2-डीऑक्सीराइबोस से और यूरैसिल सिर्फ राइबोस से जुड़ सकती है। तो अब जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे वो देखिए कौन से होंगे। एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा फॉस्फेट जोड़ने के बाद, तो आप बोल देंगे एडिनोसिन फॉस्फेट। या 2-डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट,
अब यहीं से एक चीज और आपने सीख ली, अगर एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट जुड़े तो आप बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट जुड़े तो आप बोलेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और तीन फॉस्फेट जुड़े तो क्या बोलेंगे? हाँ एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो जुड़े एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, तीन जुड़े तो क्या बोलेंगे? हाँ एंड दैट इज यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम क्लास 9 एटीपी, ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। यस सो व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज, व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एटीपी? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेचर का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल है क्या, वेदर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट और अ प्रोटीन और अ लिपिड और अ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या है वो। अब एटीपी को आप क्या बताएंगे? एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नेचर क्या है? आप बोलेंगे इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब सोचिए एक बात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज 145 पर न्यूक्लियोटाइड के नाम क्या लिखे हैं जानते हैं? एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड के नाम लिखे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के नाम नहीं होते, बुक में लिखा है तो आपको वही लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। जो एनसीईआरटी में लिखा है अगर आप वही लिखेंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। पेज 145 पर आइए जल्दी से, पेज 145 पर नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है, शुगर है और फॉस्फेट है, उसका नाम रख दिया एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बता दिया उसको। तो न्यूक्लियोटाइड तो ये हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। एडिनाइलिक एसिड क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। नेचर में दो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, मिलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। लेकिन लैब में हम न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं, कैसे? हम एडिनोसिन फॉस्फेट बार बार जोड़ते चले जाएं तो हमको जो न्यूक्लिक एसिड मिलेगा वो उसमें सिर्फ एडिनिन होगी। एडिनिन शुगर फॉस्फेट, एडिनिन शुगर फॉस्फेट, एडिनिन शुगर फॉस्फेट, तो वो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कहलाएगा होमोपॉलीमर। क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर, क्योंकि उसमें एक ही नाइट्रोजनस बेस के न्यूक्लियोटाइड बार बार जुड़े हैं। उस होमोपॉलीमर का नाम होगा एडिनाइलिक एसिड। फिर से सुन लीजिए, लैब में अगर हम ग्वानीन शुगर फॉस्फेट, ग्वानीन शुगर फॉस्फेट, ग्वानीन शुगर फॉस्फेट बार बार जुड़ें तो हमको मिलेगा ग्वानिडाइलिक एसिड। ये कहलाएगा होमोपॉलीमर, वो न्यूक्लिक एसिड होगा जो लैब में बनाया है, इन विट्रो बनाया है। और न्यूक्लियोटाइड के नाम क्या होंगे? ग्वानीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानीन डाईफॉस्फेट, ग्वानोसिन, सॉरी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड के नाम होंगे। तो एनसीईआरटी में न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलिक एसिड लिखा है, बट द राइट टर्म इज नॉट एडिनाइलिक एसिड बट एडिनोसिन फॉस्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा। मगर मैंने आपसे क्या बोला कि जो बुक में लिखा है वही लिखने पर मार्क्स मिलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बट एज यू विल मूव टू हायर क्लासेस लाइक मेडिकल कॉलेज यू विल लर्न दिस नेम फॉर न्यूक्लिक एसिड, नॉट फॉर न्यूक्लियोटाइड। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो बताइए, नहीं समझ में आई हो आई विल रिपीट इट। स्टूडेंट्स आपने बताया नहीं मुझे, यहां तक की चीजें समझ में आ गई? स्कूल में या नीट में अगर न्यूक्लियोटाइड पूछेंगे तो आप बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड,
लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यू विल गो टू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एडिनाइलिक एसिड आपको न्यूक्लिक एसिड के नाम से, होमोपॉलीमर के नाम से पढ़ाया जाएगा और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा एडिनोसिन फॉस्फेट। क्योंकि नीट में क्वेश्चन अगर ये आया कि एटीपी का नेचर क्या, तो आप एटीपी को एडिनाइलिक एसिड थोड़ी बोलेंगे, आप बोलेंगे एटीपी इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और आप बोलेंगे वो न्यूक्लियोटाइड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरह से हो जाएगा ग्वानोसिन फॉस्फेट या डीऑक्सी ग्वानोसिन फॉस्फेट, राइट। अब आ जाते हैं, तो ये बात क्लियर है कि स्कूल में वो लिखना है जो बुक में है, नीट में वो लिखना है जो बुक में है, ठीक है। हम एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड बता देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, बट एटीपी का नेचर क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा वो न्यूक्लियोटाइड है। अब इन्हीं दोनों बातों से आप खुद लग रहा होगा कि भाई कंफ्यूजन की स्टेट है, बुक में एटीपी को न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं और बुक में एडिनोसिन और फॉस्फेट को एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये डिफरेंस खुद ही कंफ्यूजन बच्चों को पैदा करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एडिनाइलिक एसिड। अब इसी तरह से बन जाएगा ग्वानोसिन फॉस्फेट, ये बात तो खत्म हो गई, साइटोसिन प्लस शुगर, तो ये बनेगा साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन, और न्यूक्लियोटाइड एनसीईआरटी के हिसाब से हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, है ना। अदरवाइज आप बोलेंगे साइटिडीन फॉस्फेट। थायमीन विल बिकम डीऑक्सीथायमिडीन, देयर इज नो थायमिडीन इन नेचर, लैब में बना सकते हैं, नेचर में तो डीऑक्सीथायमिडीन ही मिलेगा क्योंकि शुगर सिर्फ क्या है 2-डीऑक्सीराइबोस। इसी तरह से नेचर में यूरेसिल से बनेगा यूरिडीन, देयर इज नो डीऑक्सीयूरिडीन, थायमिडीन नहीं होता, डीऑक्सीयूरिडीन नहीं होता, क्योंकि शुगर सिर्फ एक एक ही है दोनों के लिए। और यहां पर हो जाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से थायमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक। अदरवाइज आप बोलेंगे हायर क्लासेस के हिसाब से यूरिडीन फॉस्फेट, डीऑक्सीथायमिडीन फॉस्फेट, साइटिडीन फॉस्फेट या डीऑक्सीसाइटिडीन फॉस्फेट, ये नाम होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे यूरिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीथायमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, ठीक। और उन्हीं को वो बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो यू हैव टू फोकस। स्कूल में तो बेसिकली एडिनाइलिक एसिड ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में वही गिवन है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है स्कूल में वो नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशंस नीट में आती हैं, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बनवाया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू कैन फिल दिस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टॉट और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, विच एवर यू लाइक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो इस क्लास को रिव्यू कर लीजिएगा। Am I clear to everybody now? Let me know fast, quickly. ओके गुड, अब देखिए डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। वन टू थ्री फोर, फिफ्थ कार्बन इज आउटसाइड द रिंग, CH2OH, ये राइबोज आ गई, इसके थर्ड कार्बन पर यहां फॉस्फेट लग गया, फिर आ गया एक शुगर, वन टू थ्री फोर और फिफ्थ कार्बन जुड़ गया जाकर के फॉस्फेट से।
अब आप ये देखिए कि शुगर का जो लेफ्ट पर यहाँ थर्ड कार्बन फ्री है टर्मिनली और फिफ्थ कार्बन फ्री है टर्मिनली, तो ये जो स्ट्रैंड बना, स्ट्रैंड में शुगर और फॉस्फेट होते हैं, ये जो स्ट्रैंड बना इसका नाम हो जाता है 5-2-3-। डीएनए के स्ट्रैंड के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं 5-2-3-। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया 5-2-3। डीएनए के स्ट्रैंड के नाम किसकी बेसिस पर है? शुगर का कौन सा कार्बन टर्मिनली फ्री है उसकी बेसिस पर नाम है 5-2-3। शुगर कितनी इंपॉर्टेंट है ये देखिए, शुगर की बेसिस पर ही स्ट्रैंड का नाम है, शुगर से ही नाइट्रोजनस बेस जुड़ती है, शुगर से ही फॉस्फेट जुड़ता है। शुगर इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? तो शुगर का जो कार्बन टर्मिनली फ्री है वो 5 है, तो नाम रख दिया 5-2-3, 5'-3' भी बोलते हैं। दूसरा जो स्ट्रैंड है इसमें शुगर्स ऑपोजिटली रखी हुई है, वन टू इन्वर्टेड है, 3-4-5 कार्बन फॉस्फेट इससे जुड़ गया, देन अगेन फिफ्थ कार्बन थर्ड इससे जुड़ गया, तो इस स्ट्रैंड का नाम हो गया 3-2-5। इसको बोलते हैं 5-2-3 को बोलते हैं वॉटसन और 3-2-5 को बोलते हैं क्रिक। दो स्ट्रैंड है, आधा वॉटसन का आधा क्रिक का। नाउ सपोज यहां पर हमारे पास है टी इज थाइमीन, 1-2-3-4-5 and 6। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन भी होती है, साथ में हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर होती है पायरिमिडीन में। थाइमीन इज अ पायरिमिडीन, शुगर पायरिमिडीन लिंकेज इज 1-3। नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको मालूम है। टी के सामने आता है ए, ए इज प्यूरीन, 1-2-3-4-5 and 6, 7-8 and 9 शुगर प्यूरीन लिंकेज इज 1-9। सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पर भी नाइट्रोजन होती है 1 और 3 के अलावा, इसीलिए नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन का मतलब क्योंकि एन यहां भी है, एन यहां भी है, ये ए आ गया। ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड 1-1 and 6-6। सपोज वी हैव साइटोसिन हेयर, 1-2-3-4-5 and 6। साइटोसिन पायरिमिडीन है, शुगर पायरिमिडीन लिंकेज इज 1-3। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी के सामने आता है जी, जी इज प्यूरीन ग्वानीन, 1-2-3-4-5 and 6, 7-8 and 9 शुगर प्यूरीन लिंकेज इज 1-9। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है 1-1, 6-6, 2-2 और ऐसे डीएनए चलता चला जाएगा, बनाइए इसको। एक डीएनए का स्ट्रैंड अगर आपको पता चल जाए तो आप दूसरा स्ट्रैंड आसानी से बना सकते हैं, वो भी अभी देखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है? तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है वो आप लोगों को कुछ आइडिया तो होगा ना दिमाग में कि कैसा होता है, उसका एक रफ
डायग्राम बना करके पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करिए जल्दी से, डीएनए डबल हेलिक्स कैसा दिखता है, ईच वन ऑफ यू डीएनए डबल हेलिक्स कैसा दिखता है उसका एक रफ डायग्राम बना करके मुझे व्हाट्सएप करिए जल्दी से। सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ए टी जी सी टी ए सी, तो दूसरा स्ट्रैंड हम क्या बनाएंगे, थ्री डैश टू फाइव डैश। बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं थ्री डैश टू फाइव डैश, वो डायरेक्टली क्या करते हैं बस नाइट्रोजनस बेसिस बना देते हैं बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से, ए पेयर्स विद टी, टी विद ए, जी विद सी, सी विद जी, टी विद ए, ए विद टी, सी विद जी, इतना छोड़ के आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये पूरा हुआ, एक स्ट्रैंड मालूम है तो दूसरा हम बना देंगे कितना ही लंबा, और ये हेलिकली क्वाइल हो जाएगा। तो वो जो क्वाइल हेलिक्स है, जो डीएनए डबल हेलिक्स है वॉटसन और क्रिक का, उसका जो भी रफ मॉडल आपके दिमाग में हो छोटा सा बना करके उसकी पिक लेकर के मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड कर दीजिए जल्दी से। ऑल राइट, आई हैव गॉट वन पिक, एनीवन एल्स, व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग, एक्सेप्ट फॉर वन आई हैवंट गॉट द डायग्राम ऑफ एनी वन ऑफ यू, वट एवर यू थिंक डीएनए लुक्स लाइक, वट एवर यू हैव सीन इट लुक्स लाइक, मैं बता देता हूं बच्चों कैसा दिखता है कैसा लगता है। बच्चे ऐसा कुछ बनाते हैं समवॉट लाइक दिस कि डीएनए ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हम बना तो दें मगर बनाने में हमको अकल का भी इस्तेमाल करना है ना। अब वो बात ये है कि सोचने वाली, हमने ये पढ़ा कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल में पैरेलल होना तो ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ पे भी पैरेलल नहीं है, यहाँ पर भी पैरेलल नहीं है, तो वो पैरेलल फीचर तो ख़त्म हो गया, उसके बगैर हम इसको कैसे बना लें। तो देखिए इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले हम एक हेलिक्स बनाते हैं, एक स्ट्रैंड बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं 5' to 3', और इसका जो टर्न होता है वो 36 डिग्री पर होता है, कितना 36 डिग्री पर टर्न होता है, डोंट फॉरगेट दिस। आप लोगों का टारगेट है पेज 142 से लेकर के 152 तक, पेज 142 से 152 एनसीईआरटी क्लास 11 बुक 152 के फर्स्ट पैराग्राफ तक आपको पढ़ना है, और इस चैप्टर को हम यहीं रोकेंगे, बायोमोलिक्यूल्स आर ओवर, एंजाइम वाला पार्ट है वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आप लोग मुझे ये बताइए कि जो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस दिया है चैप्टर 5, 6 और 7 का, हम वो करें या हम पूरे पूरे चैप्टर करें, क्योंकि कुछ स्कूल में पूरे पूरे चैप्टर दिए जा रहे हैं एग्जाम में, मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों है। तो अगर पूरा चैप्टर आप करना चाहते हैं तो मैं चैप्टर की आपको क्लासेस भेज देता हूं रिकॉर्डेड, और जो एग्जैक्टली बोर्ड का सिलेबस है उसकी लाइव क्लास ले लेता हूं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, एक दिन में हम 2 क्लासेस 3 क्लासेस कर सकते हैं, है ना। तो आप अपना जो व्यू है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आज शाम तक पोस्ट कर दीजिएगा सारे लोग, स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट्स जो इस क्लास को देख रहे हैं। अब जो दूसरा स्ट्रैंड बनाना है वो इसके पैरेलल चलेगा हर जगह, यहां पैरेलल, फिर पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग से 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 यहां पैरेलल, पैरेलल 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 पैरेलल। आया समझ में, 5 तरह के डीएनए होते हैं, ए बी सी,
डी और जेड, हमारा वाला ये है बी डी एन ए जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी सब आप देख रहे हैं ये बनाना नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये दिखाने के लिए कि हेलिक्स की विड्थ कितनी है। तो ये विड्थ हेलिक्स की, विड्थ ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। ये वॉटसन और क्रिक ने नहीं बताया, ये उनसे पहले जो फ्रैंकलिन और विल्किंस थे उनसे सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने बताया, नोबेल प्राइज सबको कंबाइंड मिला था। इसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक टर्न है, वन टर्न 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में इन वन टर्न। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। और ये कहलाता है माइनर ग्रूव। तो ये जितनी भी बातें थी, स्पेसिफिकेशंस थे, ये दिए थे किसने, फ्रैंकलिन, रोजेलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विकिंस। सीनियर थे। और फिर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल दिया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ऑल राइट, सो विद दिस बायोमोलिक्यूल्स आर ओवर। इनको कंसिस्टेंसी से रिवाइज करते रहिएगा, सारे बायोमोलिक्यूल्स को आप भूल ना जाएं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, ये एज इट इज क्लास 12th के सिलेबस का भी पार्ट है, चैप्टर 6 का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो वहां पर इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कल हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वो पार्ट पढ़ें जो कि एनसीईआरटी ने हमें दिया है इस साल पढ़ने के लिए, या शुरू से आखिर तक पूरा चैप्टर पढ़े हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं कुछ पार्ट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भेजूं, प्लस कुछ हम क्लास में डिस्कस करें जो एग्जैक्ट पार्ट है। अपना कंसेंट मुझे शाम तक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट्स। ऑल राइट,